उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए जिलेवार विज्ञप्ति जारी की जा रही है। और इसके लिए अभी तक 6-7 जिलों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर जो यहाँ पे मैदानी जिले हैं, इनकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है हरिद्वार के 225 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो रही है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर अगर फॉर्म को भरने से लेकर कोई भी संबंधित जानकारी है तो उसको भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है, वीडियो डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। और अगर अभी तक आपके पास फॉर्म नहीं मिला है तो आप फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो अलग अलग ज़िले हैं इनके लिए 2 फॉर्म के फॉर्मेट बनाए गए हैं, जो कि दोनों फॉर्मेट हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, तो आप यहाँ से आसानी से जो फॉर्म है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार में 225 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसके लिए जो विज्ञप्ति है वो सोमवार को जारी हो रही है। हरिद्वार में शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। तो जनपद में शिक्षा विभाग 2 वर्ष से रिक्त पड़े सहायक अध्यापकों के पदों को भरने जा रहा है। विभाग प्राथमिकता डीएलएड कर चुके बेरोजगारों को देगा। दूसरे स्थान पर टीटी और बीएड पास कर चुके युवाओं को रखा गया है। तो आपको बता दें कि जो ये यहाँ पर हरिद्वार में जो भर्ती निकल रही है प्राथमिक शिक्षकों की, इसमें पहले जो वरीयता दी जाएगी वो डीएलएड अभ्यर्थियों की दी जाएगी, जबकि दूसरे स्थान पर जितने सीट बच रहे हैं उसमें बीएड और टीटी जो पास अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मिलेगा। तो सीओ की ओर से डीओ और पटल प्रभारियों के साथ रिक्त पदों की समीक्षा की जा चुकी है। निदेशालय से भी लगभग स्वीकृति मिल गई है। शनिवार अथवा सोमवार तक विभाग भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। तो आपको बता दें कि आज शनिवार को ये विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अगर आज शाम तक ये विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो सोमवार को इसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया कि सीईओ डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि कुल 225 पदों रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। तो इस बार जो भर्ती है वो 225 पदों पर निकाली जा रही है। तो इसमें यह भी बताया गया कि इनमें से 135 पदों पर पहले ही भर्ती निकाली जा चुकी है, उनमें भी पुरानी शिक्षा नीति के आधार पर नियुक्ति होनी है, जिसमें 65 उर्दू शिक्षक और 70 सहायक अध्यापक शामिल हैं। वर्तमान में 90 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जा रही है। नई नियमावली के आधार पर भर्ती की जाएगी। 135 पदों पर एक वर्ष पहले भर्ती निकाली जा गई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सीईओ ने कहा कि ओबीसी 32, अनुसूचित जाति के 43, जनजाति के 9, आर्थिक आधार पर 23 और सामान्य वर्ग के 118 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं पटल प्रभारियों के साथ इस संबंध में समीक्षा बैठक की जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जो यहाँ पर ओबीसी के पद हैं वो 32 हैं, अनुसूचित जाति के 43 हैं, और इसके साथ आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 23 हैं और सामान्य के 118 पद जो है वो यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर बात की जाए तो हरिद्वार की जो विज्ञप्ति है वो आज यहाँ पर जारी होने जा रही है। इसके साथ ही फॉर्म का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से दोनों प्रकार के फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलग अलग जिलों के इस बार 2 प्रकार के फॉर्म है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो यहाँ से आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं।